हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा साउस किचन। आज मैं आपके लिए मोहन थाल की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये देखिए मैंने कुछ बना के तैयार किए हुए हैं। ये कितने दानेदार और कितने टेस्टी दिख रहे हैं आप देख सकते हैं। इसको आप रक्षाबंधन में आराम से इजिली अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस है तो हम बाहर से मिठाइयाँ लेना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो आप इनको घर में बनाएं और सेफ रहें। चलिए तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। मोहन थाल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 कटोरी बेसन। ये लगभग 250 ग्राम होगा। इसको हम डाल देते हैं एक बाउल में। बेसन हमने ले लिया है पूरा एक बाउल में। इसके बाद हम 3 टीस्पून घी और 3 टीस्पून दूध लेंगे और इन दोनों चीजों को हम मिला देंगे एक साथ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोनों चीजें मिल गई हैं। दोनों चीजें हमें रूम टेम्परेचर पर लेनी है, कुछ भी ठंडा या गर्म नहीं लेना है। चलिए तो अब इसको हम बेसन में डालते हैं। 2 चम्मच हम पहले डाल देंगे और इसको हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। इसके बाद हम फिर से 2 चम्मच डालेंगे, फिर से मिक्स करेंगे। देखिए पूरा मिल्क और घी इसमें अच्छे से मिल गया है। अब इसको हम हाथों से इस तरीके से रफ कर देंगे। मोहन थाल बनाने के लिए बेसन को दानेदार बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोहन थाल हमारा दानेदार होता है। तभी हमारा मोहन थाल अच्छा बनेगा जब हम बेसन को पहले इसको दानेदार बनाएंगे, फिर बेसन को हम भुनाई करेंगे, तभी हमारा मोहन थाल अच्छा बनेगा। तो इसलिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दानेदार बेसन जो हमने बना के कंप्लीट किया है, इसको हम डालेंगे मिक्सी जार में। तो चलिए इस पे हम डालना स्टार्ट करते हैं। लोग वैसे छल्ली से छानते हैं और इसको हाथ से ऐसे रफ करके इसका दाने निकाल लेते हैं, दानेदार बेसन बना लेते हैं अच्छा। बट मैं आपको एक न्यू तरीका बताऊंगी जो कि मिक्सी से हम लोग ग्राइंड करेंगे इसको हल्का सा और ये दानेदार बेसन बनके कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको ग्राइंड करना, फिर आपको दिखाऊंगी कैसा बना ये। देखिए मेरी दानेदार बेसन बनके कंप्लीट हो गई है, एकदम दानेदार है ये। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बेसन आपका दानेदार बनके कंप्लीट होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दानेदार बेसन बनके तैयार हुआ है। चलिए तो अब इसको हम भुनाई करते हैं। लो फ्लेम पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसके बाद हम 1 कटोरी घी लेंगे और इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे बाद के लिए। घी को हम हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे। घी तो हमारा गर्म हो गया है, इसके बाद मैं गैस को कर देती हूँ मीडियम और इसके बाद हम डालेंगे अपना दानेदार बेसन। इसके बाद हम इसको चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। इसको हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है ताकि इसमें लम्स ना पड़े बेसन में। अब हम गैस को कर देंगे लो, कभी लो पे और कभी मीडियम पे हम इसको भून लेंगे अच्छे से चलाते हुए हाथों से। इसको हमें छोड़ना नहीं है, अगर हमने छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। बेसन को कभी भी आप भूने तो इसको छोड़ते नहीं हैं और चलाते ही रहते हैं। बेसन को भूनते हुए थोड़ी देर हो गई है, इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे जो हमने बचाया हुआ था। घी को हम गर्म करके डालेंगे। गैस को हम मीडियम कर देंगे। इसके बाद आप देखिए बेसन कितना अच्छा भुनता है। देखिए गरम घी डालने से बेसन मेल्ट होने लगा है। गरम घी हम इसलिए डालते हैं ताकि बेसन जल्दी से भुनने लगे, अच्छे से लाइट लाइट होने लगे। बेसन जब भुनने लगता है तो ये लाइट होने लगता है। इसको कभी मीडियम कभी लो फ्लेम पे हम भूनते रहेंगे। फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है वरना बेसन जल जाएगा। और बेसन को हमें अच्छे से भून लेना है, तभी मोहन थाल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बेसन में कच्चापन नहीं रहना चाहिए, बेसन को अच्छे से भून लेना चाहिए। ये देखिए गरम घी डालने से हमारा बेसन कितना ज़्यादा फ्लफी हो रहा है और जल्दी कुक हो रहा है हमारा बेसन। इससे हमारे टाइम की सेविंग भी होगी बहुत ज़्यादा और मोहन थाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। याद रखें आप गैस को लो या मीडियम ही रखें, गैस को हमें हाई बिल्कुल भी नहीं करना है।
वरना हमारा मोहल थाल जल जाएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा लाइट हो रहा है बेसन हमारा, और बेसन भी आप देख सकते हैं कितने दानेदार दिख रहा है। बस बेसन को हमें चलाते टाइम, भूनते टाइम याद रखना है कि आपको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको लगातार ऐसे चलाते रहना है। फिर आप देखिए आपका मोहन थाल कितना अच्छा बनके तैयार होता है। हो सके तो आप थोड़ा सा गर्म घी जरूर डालें इसमें। गर्म घी डालने से हमारा बेसन बहुत जल्दी मेल्ट होने लगता है और कुक भी बहुत जल्दी होता है। इसलिए पहले आप देख सकते थे कि बेसन हमारा मेल्ट नहीं था, टाइट था, और गर्म घी डालने के बाद हमारा बेसन मेल्ट हो गया। आप देख सकते हैं बेसन ने हल्का हल्का कलर बदलना स्टार्ट कर दिया है। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब तक कि हमें इसको भूनना है। बेसन में बिल्कुल कच्चा बनना रह जाए हमें तब तक भूनना है इसको, जिसमें बेसन का स्वाद ना आए बिल्कुल भी, बेसन बेसन सा ना लगे, और जो सौंधापन होता है बेसन में भुना हुआ, बस वो होना चाहिए इसमें। और जो कढ़ाई आप लें वो आप याद रखें कि जो मोटे दल की हो वो, ताकि बेसन हमारा जले ना, तो ज़्यादा ही अच्छा मोहन थाल बनेगा हमारा। पतले तल की तो आप बिल्कुल भी ना ले कढ़ाई, मोहन थाल हमारा जल जाएगा। बेसन हमारा भुन गया है, गैस को हम कर देंगे बंद और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारी कढ़ाई अभी गर्म है तो बेसन जल ना जाए नीचे से, इसलिए इसको हम लगातार उसी तरह चलाते रहेंगे जिस तरह गैस में ये छोड़ी थी तब चला रहे थे। अब हम बनाएंगे चाशनी। पैन ले लिया है मैंने एक, इसमें डालेंगे एक कटोरी चीनी चाशनी बनाने के लिए। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, डेढ़ कप पानी लिया है मैंने, एक कप पहले। अब इसको हम बराबर चलाते हुए चीनी को घोल लेते हैं हाई गैस पे। देखिए हमारी चाशनी बनके कंप्लीट हो गई। इसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर, आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर ली है, थोड़े से केसर दोनों को डाल देती हूँ। देखिए केसर ने अपना थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल लाइट लाइट येलो इस कलर छोड़ दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ चाशनी एक तरह की कैसे बनती है। हमारी बनके कंप्लीट हो गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चाशनी बिल्कुल कंप्लीट हो गई एक तार की, बस इतनी ही चाशनी हमें चाहिए है। चलिए तो गैस को बंद कर देते हैं हम, चाशनी कंप्लीट है। गैस हमने ऑन कर ली है और लो फ्लेम पे रख ली है, बेसन को हमने गैस पे रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी चाशनी जो हमने बनाई हुई थी, चाशनी डाल देते हैं। चाशनी को हम बेसन में मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें खोया, इसमें एक कटोरी खोया जाएगा, लगभग ये 100 ग्राम है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस को मीडियम कर लेंगे। खोया मेल्ट होने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। जिस तरीके से हमारा हलवा बनता है उसी तरीके से इसको हम तैयार कर लेंगे। अभी ये थोड़ा गीला गीला सा लग रहा है, जब तक ये एक हलवे की तरह ना आ जाए तब तक इसको हम चलाते रहेंगे, कभी मीडियम तो कभी स्लो गैस पे, हाई नहीं करना है याद रखिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें आधी कटोरी दूध। दूध डालने से मोहन थाल एकदम दानेदार बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बस इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, कभी मीडियम तो कभी लो गैस पे, हाई नहीं करना है हमको याद रखिए। इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसका टेक्सचर एक हलवे की तरह ना आ जाए। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा घी छोड़ रहा है, बस इसी तरह हमको चलाते रहना है हल्के हाथों से। देखिए मोहन थाल हमारा बनके कंप्लीट हो गया है, इसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दी है, ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। चलिए इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, जमा लेते हैं। इस प्रकार का एक हम बर्तन ले लेंगे। इसके बाद मैं इसमें बटर पेपर लगाऊंगी। अगर आपके पास इस तरह का कोई बॉक्स नहीं है तो आप कोई भी थाली ले सकते हैं। बस इसमें हम मोहन थाल डाल देंगे, मोहन थाल को हम इसमें निकाल देंगे। अब इसको हम पूरे बॉक्स में स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से हम सेट कर देंगे। ये देखिए बर्फी की तरह मैंने अच्छे से जमा लिया है इसको, एकदम प्लेन हो गई है ये। इसके बाद मैं इसमें थोड़े से डालूंगी ड्राई फ्रूट्स, आप चाहे तो कोई भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता लिया हुआ है, आप चाहे तो इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, काजू वगैरह जो भी आपको पसंद है, नट्स वो आप डाल सकते हैं।
इसके बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि मोहनथाल में ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से दब के मिल जाए और ये गिरे ना। 4 से 5 घंटे हो गए हैं, मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, और आप देख सकते हैं हमारा मोहनथाल एकदम टाइट जम के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसको गरम गरम भी खा सकते हैं, जैसे कि कुछ देर पहले था ये, और आप चाहें तो इसको एक बर्फी के पीस की तरह भी जमा सकते हैं। तो मैंने इसको आज बर्फी के पीस की तरह जमाया है। तो चलिए इसको निकालते हैं हम। सबसे पहले साइड से इसको चाकू से अलग कर लेंगे, चाकू से दोनों तरफ करने के बाद हम बटर पेपर से आराम से मोहनथाल को निकाल लेंगे। ये देखिए निकल रहा है। इसके बाद मैं एक प्लेट लूंगी और इसमें रख दूंगी। चलिए तो हम इसके पीसेस काट लेते हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार के पीसेस काट सकते हैं। थोड़ा सा टाइट हो गया है तो इसमें टाइम लग रहा है काटने में। पहले मैं थोड़े से निशान बना लूंगी, इसके बाद मैं काटूंगी ताकि जो शेप है बिल्कुल एक से आए सबके। इतना हमारा एक्स्ट्रा है तो इसको हम निकाल देंगे, इस तरीके से इसको अलग कर देंगे हम। ये एक्स्ट्रा था हमारा और ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे पीसेस आ रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे भी कट लगा लेती हूँ। ये देखिए सारे पीसेस काट के मैंने तैयार कर लिए हैं और बहुत अच्छे पीस कटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए तो इसकी प्लेटिंग करते हैं हम। ये देखिए मोहनथाल को मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। आप इस स्वीट को कभी भी घर पे बना के खा सकते हैं, या फिर किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई भी मेहमान आता है तब भी आप उसको बना के खिला सकते हैं। जैसे कि COVID-19 चल रहा है तो बाहर कुछ भी मिल नहीं रहा है और लोगों को लेना बाहर से भी सेफ नहीं है, तो आप घर में इन सभी चीज़ों से आसानी से मोहनथाल बना सकते हैं और रक्षाबंधन में खिला सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फूड से रिलेटेड कोई भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।